लगभग 300 लोग जो मजदूरी करते हैं भारत के विभिन्न भागों से, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से आए, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में काम कर रहे थे, वो इस वक्त कश्मीर से निकलकर जम्मू आए हैं। जम्मू में रेलवे स्टेशन के पास, एक्साइज टोल पोस्ट के पास जो पार्क है, वहाँ पार्क में इस वक्त एक साथ बैठे हुए हैं 200 से ज़्यादा लोग, लगभग 300 लोग, 300 लोग जो मजदूरी करते हैं, एक पार्क में इकट्ठे इस वक्त बैठे हुए हैं। पुलिस अधिकारियों से जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये लोग सुबह से वहां पर बैठे हुए हैं। पुलिस के अधिकारियों ने बहुत कोशिश की इन्हें समझाने की कि ये एक साथ ना बैठे, कम से कम दूर दूर होकर बैठे, लेकिन वो बात नहीं मान रहे। वो सभी लोग एकत्रित एक साथ उस पार्क में बैठे हैं। बैठे इसलिए हैं क्योंकि आपको मालूम है पैसेंजर ट्रेन चलना बंद हो चुकी हैं। जब ये लोग कश्मीर से आए तो ये जम्मू रेलवे स्टेशन के पास इस वक्त रुके हुए हैं। ना इनके पास वापस जाने का कोई साधन है, ना इनके पास यहाँ रुकने का कोई साधन है, और ना ही जम्मू से बाहर जाने का कोई साधन है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही। ये सारे लोग, लगभग 300 लोग इस वक्त उस पार्क में इकट्ठे बैठे हैं। आप सोच सकते हैं इस वक्त जहां कोरोना वायरस की वजह से ये कोशिश की जा रही है कि चार लोग भी एक जगह खड़े ना हो, वहां लगभग 300 लोग रेलवे स्टेशन, जम्मू रेलवे स्टेशन के पास इस वक्त हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती तो हम फोर्स का इस्तेमाल भी कर सकते थे, लेकिन इस वक्त हम भी फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इन्हें समझा समझा के थक गए, प्लीड कर करके थक गए, लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे, नहीं मान रहे। अब हमारी दरख्वास्त भी आईजीपी जम्मू से, डिफकॉम जम्मू से यही कि इन लोगों के लिए कोई अरेंजमेंट किया जाए, किसी धर्मशाला में इन्हें रुकाया जाए, किसी जगह पर इनके रुकने का अरेंजमेंट किया जाए, इन्हें उस पार्क से डिस्पर्स किया जाए, नहीं तो ये आम लोगों की हेल्थ के लिए कितना बड़ा रिस्क हो सकते हैं। लगभग 300 से ज्यादा लोग हैं, ये एक दूसरे की हेल्थ के लिए कितना बड़ा रिस्क हो सकते हैं। इस वक्त जहां जम्मू में लॉकडाउन है, लोगों को इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा, सबसे दरख्वास्त की जा रही है कि वो अपने अपने घरों में रहें, वहां इतने सारे लोग, इतने सारे लेबरर्स, लगभग 300 लेबरर्स एक पार्क में एक साथ बैठे हुए हैं। पहली बात तो इम्पोर्टेंट ये कि ये लोग जब कश्मीर से आए, किस तरह से इन्हें आने दिया गया बिना कोई अरेंजमेंट किए गए? क्या इन्हें नहीं बताया गया था कि पैसेंजर ट्रेन इस वक्त नहीं चल रही हैं? जब वो बस यहाँ पर आई, क्या किसी को ने इन्हें इन्फॉर्म नहीं किया कि ये एक जगह पर इकट्ठे नहीं बैठ सकते? अब पुलिस कोशिश कर रही है उन्हें वहां से डिस्पोज करने की, लेकिन आईजीपी जम्मू को कोई कड़े कदम उठाने पड़ेंगे इन्हें वहां से डिस्पोज करने के लिए, या इनके लिए कोई अरेंजमेंट इस वक्त करना पड़ेगा, विच इज द नीड ऑफ द आवर। अगर इनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया जा सकता, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा हेल्थ रिस्क ये लोगों के लिए बन सकता है इस समय, जिस समय कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है। इन्हें किसी क्वारंटीन फैसिलिटी में भी भेजा जा सकता है जब तक इन सभी लोगों का टेस्ट नहीं हो जाता, क्योंकि नहीं मालूम है कि ये जब आए कश्मीर से किन लोगों के टच में थे, और अब जितनी देर ये सारे इकट्ठे बैठे हैं, इनमें से एक भी अगर कोई पॉजिटिव कोविड-19 के लिए हुआ तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 300 लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं इसकी वजह से। कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है इस वक्त प्रशासन को। कोशिश करेंगे कि वहाँ के विजुअल्स भी आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिलहाल आप तक ये खबर पहुँचाना ज़रूरी था कि 300 से ज़्यादा लोग इस वक्त उस पार्क में, रेलवे स्टेशन के पास जो पार्क है, वहां पर इकट्ठे बैठे हुए हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, प्रशासन की आंखें खोलें ताकि वो कोई कड़े कदम उठाए प्रशासन, ताकि इन लोगों के रहने के लिए कोई इंतजाम करे, ताकि इंडिविजुअली सेपरेटली रह सके। इस वक्त ये सारे लोग इकट्ठे उस पार्क में बैठे हुए हैं।